तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल इंडियन जॉब में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आर्मी में निकली बम्पर भर्तियां के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आर्मी में एमईएस के पद पर एक वैकेंसी निकाली गई है, तो उसी के बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं कि कब तक ऑनलाइन होगा, कौन सा कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, कितना सैलरी मिलेगा। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, उसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी ऑफिशियल साइट के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं जो टोटल वैकेंसीज में दिया गया है, 41,822 पदों पर वैकेंसी निकाली गई दोस्तों। आप यहां पे देख सकते हैं ग्रुप सी के पोस्ट पर यह वैकेंसी जारी किया गया है। देख सकते हैं कैटेगरी वाइज करके यहां पे वैकेंसी दिया गया है दोस्तों, कौन सा पोस्ट के लिए कितना कैटेगरी में यहाँ पे दिया गया, आप स्क्रीनशॉट मारकर पढ़ सकते हैं दोस्तों। उसका आवेदन प्रक्रिया आप ऑनलाइन कर सकते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है दोस्तों, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अगर बात की जाए सैलरी के बारे में तो 35,400 से लेकर 59,050 रुपया पर मंथ आपको इसमें सैलरी दिया जाएगा दोस्तों। अगर बात की जाए अप्लीकेशन फी के बारे में तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये लगने वाली है दोस्तों। वहीं SC ST और फीमेल कैंडिडेट बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हैं। पेमेंट मोड ऑनलाइन करना होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के सारे आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा दोस्तों। आप यहां पे देख सकते हैं एज लिमिट के बारे में जानकारी दिया गया है, जो 18 से 25 वर्ष के बीच आपका एज होना चाहिए तभी आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप ओबीसी का कैंडिडेट है तो आपका एज 3 वर्ष अधिक छूट दिया गया दोस्तों। वहीं SC ST के लिए 5 वर्ष अधिक छूट दिया गया दोस्तों। आप यहां पे देख सकते हैं आगे जानकारी दिया गया इसमें सिलेबस के बारे में दोस्तों, कौन सा सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया दोस्तों। देख सकते हैं पूरी जानकारी दिया गया है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे रिटेन एग्जाम आपको लिखना होगा पहले में, उसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा दोस्तों। देख सकते हैं 2 घंटा आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रनिंग के बारे में, हाइट के बारे में पूरी जानकारी दिया गया दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पे हाइट के बारे में जानकारी दिया गया, जो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर होना आवश्यक है दोस्तों, और वही फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर होना जरूरी है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं रनिंग के बारे में जानकारी दिया गया है, जो 5 किलोमीटर का दौड़ 24 मिनट में आपको पूरा करना होगा मेल कैंडिडेट के लिए, और वहीं फीमेल कैंडिडेट 1.6 किलोमीटर का दौड़ 8 मिनट में पूरा करना होगा दोस्तों। आप यहां पे देख सकते हैं किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी आवेदन करने वक्त। तो यहां पे देख सकते हैं दोस्तों यहां पे एजुकेशन सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ। देख सकते हैं दोस्तों कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, एक्सपायरेंस सर्टिफिकेट लगेगा, डोमिकल सर्टिफिकेट लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो एंड सिग्नेचर लग सकते हैं दोस्तों। आप यहां पे देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी दिया गया, जो इसमें फिजिकल टेस्ट होगा दोस्तों, रिटन एग्जाम होगा दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा दोस्तों। अगर बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आप अगर 10वीं और 12वीं पास कर लिए हैं तो आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, आसानी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया दोस्तों। देख सकते हैं किन किन वैकेंसी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन दिया गया, आप इसे स्क्रीनशॉट मारकर आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे देखिए इसका आवेदन का डेट 30 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, इसका लास्ट डेट 30 अगस्त तक चलेगा दोस्तों, लगभग 1 महीना इसका डेट निकाला गया है दोस्तों। एडमिट कार्ड और एग्जाम का डेट अभी तक नहीं आया, जब भी आएगा हम एक और वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से आवेदन होगा उसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है। यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आपको शुरू में दिखाया था यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों जरूर इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।